बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले महीने यानी कि फरवरी में होनी है। परीक्षा में करीब एक महीने का वक्त बचा है। दोनों ही परीक्षाओं का डेट शीट पहले ही जारी किया जा चुका है, जहां इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक होनी है, वहीं मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन 14 से 22 फरवरी के बीच होना है। परीक्षा के एक महीने पहले बोर्ड ने परीक्षा के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड ने घोषणा की है कि अब परीक्षा का जो पूरा समय सीमा होता है, यानी कि पूरी जो परीक्षा होती है 3 घंटे की, उसे पूरा किए बिना कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी परीक्षार्थी पहले 1.5 घंटे में, जो 3 घंटे की परीक्षा होती है उसके पहले 1.5 घंटे में कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जा सकेगा। उसे अगर पानी पीने की आवश्यकता होगी तो पानी उसे उसके सीट पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 1.5 घंटे में जो OMR सीट दिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, उसे भरे बिना कोई भी परीक्षार्थी अपने सीट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा। उसे पानी पीने की अगर आवश्यकता होगी तो पानी उसके सीट पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 1.5 घंटे के बाद ही कोई भी परीक्षार्थी वॉशरूम यूज़ करने के लिए या पानी पीने के लिए अपनी सीट से बाहर जा सकता है। इसे लेकर बोर्ड द्वारा जल्द ही सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, परीक्षा हर दिन 2 पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें शुरू के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि प्रथम पाली में परीक्षार्थियों के पास 9:45 से 12:45 तक का समय होगा। इसमें 9:45 से 11:15 तक परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी कि पहले 1.5 घंटे में परीक्षार्थियों को अपनी सीट को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक उत्तर लिखने का समय दिया जाएगा। इसमें 2 से लेकर 3:30 बजे तक छात्र परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परीक्षा के पहले बोर्ड द्वारा यह दिशा निर्देश सभी केंद्र अधीक्षकों को भेज दिया जाएगा। बताते चलें, परीक्षार्थी यदि सारे प्रश्न का जवाब निर्धारित समय से पहले दे देते हैं तो भी उन्हें परीक्षा केंद्र को छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। समय समाप्त होने के बाद ही परीक्षा अधीक्षकों द्वारा अंतिम घंटी बजाई जाएगी, तभी परीक्षार्थी केंद्र से बाहर निकल पाएंगे। बोर्ड द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हर केंद्र पर परीक्षार्थी की पूरी जांच करवाई जाएगी। सबसे पहले मुख्य गेट पर छात्राओं की जांच शिक्षिकाओं द्वारा और छात्र की जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी। जिन केंद्रों पर महिला पुलिस रहेगी, वहां छात्राओं की जांच महिला पुलिस द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जाएगा और इसके बाद परीक्षा हॉल के अंदर भी उनकी जांच की जाएगी। इस साल के बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर